जिन लोगों ने आज विरोध शुरू किया उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसी देखी है, किस प्रकार का जुर्माना यहाँ लगाया जाता है खाली ना करने पर। ऐसा थोड़ी होगा कि बिहार में आप जो चाहें वो कर लें और केंद्र के इसी मामलों पर जो उनकी नीति है उस पर चुप्पी साधे रहे। केंद्र में भी तो हमने देखा है ना, हेवी पेनल्टी दी जाती है। तो जब आपको वेकेट करना है आपके आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहे तो फिर देर किस बात की साहब, ये क्यों मोह है, इसको त्यागिए ना, सार्वजनिक जीवन में ये बेहद आवश्यक। लेकिन कानूनी कितने दिनों में खाली करना होता है, क्यों नहीं खाली कर रहे हैं? अगस्त में नई सरकार बनी, हम इस सवाल पर नवंबर के आखिरी हफ्ते में बात कर रहे हैं तकरीबन। आप, मैं कहूंगा कि मेरी बात छोड़िए, लगेगा लोगों को कि मैं पार्टीजन हो जाऊंगा, केंद्र की सरकार से पूछिए, जब वो नोटिस देते हैं एक दो, उसके बाद क्या वो निर्णय करते हैं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर एक सवाल की जरूरत है, पीएम मोदी जैसे नेता की जरूरत है और हमें लव जिहाद के खिलाफ नागरिक संहिता कानून लाने की जरूरत है, तभी हम आफ्ताब जैसे लोगों को रोक। नागरिक संहिता में लव जिहाद कहां से, मतलब कहां की बात कर रहे हैं ये, मतलब पोस्ट ट्रूथ की भी इंतहा कर दी इन्होंने, कुछ भी सोच लिए, कुछ भी बोल दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए इस देश में क्या क्या हुआ हम नहीं जानते। गलवान कब हुआ साहब, हेमंतो जी जिनसे बहुत गलबैयां अभी हुई हैं, लाल आंखों के बदले क्या हुआ हम सबने देखा है। और आप मर्यादा पुरुषोत्तम को इस बहस में ला रहे हैं, चुनाव मर्यादा पुरुषोत्तम लड़ रहे हैं क्या हेमंतो जी? चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी लड़ रही है, अपने मुद्दों पर बात करिए। धर्म व्यक्तिगत आस्था का सवाल है और जिस किसी देश में धर्म को व्यक्तिगत आस्था से निकाल करके सार्वजनिक उसका प्रदर्शन करने की जरूरत हुई है तो दो चीजें साफ होती है, आपके पास अपना कहने को कुछ नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, आप इस देश के लोकतंत्र के मिजाज को नहीं जानते हैं। चंद तालियां बजवाने के लिए आप कुछ भी बोल जाए, तोड़ मरोड़ दें किसी भी चीज को। आफताब ने जो घिनौनी विभत्सकारी दुर्दांतकारी हरकत की है उसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको धर्म के चश्मे से देखिएगा। फिर बाकी का कि कल कोई मनोज ये करता है क्या करिएगा, कहेगा कि हिंदू ऐसे होता है, कहां से कहां बहस ले जा रहे हैं साहब। और मैं तो आपको जानता हूं, 14 से पहले भी जानता था, ये क्या हो रहा है? सर एक बहुत नरेंद्र के रिकॉर्ड को तोड़ दे और यह चुनाव अगले 5 साल के लिए नहीं बल्कि तय करेगा कि गुजरात 25 साल बाद कैसा दिखेगा। देखिए हम तो गुजरात को बापू का गुजरात देखना चाहते हैं, महात्मा गांधी का गुजरात, नरसिंह मेहता का गुजरात, वैष्णव जनतो तैने कहिए पीर पढ़ाई जाने रे, इसके अलावा हम किसी गुजरात को नहीं जानते। कई सारी चीजें हैं जो विसंगतियां, जो दर्द, जो जख्म है, गुजरात उनको भरेगा तभी जब गांधी के गुजरात के, सरदार के गुजरात की परिकल्पना साकार होगी। मूर्ति बनाने देने से बात नहीं होती है। सरदार ने विभाजनकारी तत्वों के बारे में क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी इतनी तो अब आपको जानकारी है कि पटेल साहब का क्या नजरिया था कि जो लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, समाज में दीवारें खड़ी करते हैं, पटेल साहब के उस नजरिए, गांधी जी के उस नजरिए और नरसिंह मेहता के उस भजन के इर्द गिर्द गुजरात का ताना बाना रहेगा। बाकी आप भूपेंद्र नरेंद्र जो भी कर लीजिए वो बेमानी है। आज हो सकता तालियां बजाई उन लोगों ने लेकिन इतिहास ताली नहीं बजाएगा। नड्डा साहब ने कहा कि 70 साल में वो कुछ नहीं हुआ जो बीजेपी ने कर दिखाया और समान प्रतिनिधित्व के तहत उन्होंने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है। देखिए नड्डा साहब पढ़ लिख के ये बोल रहे हैं या स्क्रिप्ट किसी ने पकड़ा दी ये बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जसपाल सिंह जी की डिबेट से लेकर के आज तक एक एक चीज को जोड़ लें, ट्राइबल की जमीन को, हमारे आदिवासी भाई बहनों की जमीन को जिस तरह आपने करोड़ों पूंजीपतियों को सौंपे हैं नड्डा साहब, तो राष्ट्रपति बना देने से बात नहीं बनेगी। सिंबॉलिज्म से तथ्य का मुकाबला नहीं हो सकता, तथ्य में आप कमजोर हैं, सिंबॉलिज्म की बातचीत नहीं कर लीजिए। 2024 का चुनाव
के निरस्तीकरण को लेकर जो मांग किसान ने सामने रखे थे वो अब तक सरकार ने, प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया? नहीं, वो तो पूरा नहीं ही किया, वो तो ऐतिहासिक सच है। और जो किसान शहीद हुए थे उनके लिए आपने क्या किया? आपने क्या क्या नहीं कहा उन्हें? विदेशी, खालिस्तानी, वो सारी चीजें लोक जीवन में, लोक विमर्श में गले के नीचे नहीं उतरता कि किस प्रकार की टिप्पणियां की गई थी। अभी भी वक्त है, मैं तो आग्रह करूंगा उन शहीदों का सम्मान करिए। वो अपनी मिल्कियत के लिए नहीं लड़ रहे थे, चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो एक संदेश देना चाहते थे। वो कामयाब हुए, आपको वापस लेना पड़ा, लेकिन फिर भी आपके अंदर की हठधर्मिता खत्म नहीं हो रही है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि गुजरात कांग्रेस पार्टी को बचा सकती है तो ये हिंदुओं को गाली देने जैसा है। कौन कह रहा है पता नहीं, और किसने वो टिप्पणी की मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है मेरे देश में जब चुनाव होता है तो बेरोजगारी का सवाल नहीं होता, स्वास्थ्य का सवाल नहीं होता, शिक्षा का सवाल नहीं होता, सामाजिक सौहार्द का सवाल नहीं होता। फलाने राज्य का मुख्यमंत्री आकर के आफताब के कुकृत्य पर वोट मांगता है। यह चुनाव 52 में जब हमने पहला चुनाव किया था तो क्या यह संकल्पना थी? शर्मानी चाहिए तमाम उन लोगों को जो इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं और चाहते हैं कि चुनाव मौलिक मुद्दों पे ना हो, एवरीडे लाइफ के इश्यूज पे ना हो। एक इंपॉर्टेंट बात मोहन भागवत जी ने कही है कि जब भी देते हैं, हाँ मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी स्वयं सेवक थे, प्रचारक भी थे, विश्व हिंदू परिषद भी स्वयं सेवकों द्वारा संचालित है, लेकिन सभी स्वतंत्र हैं, हम किसी पर कुछ थोपते नहीं हैं, हम किसी को नियंत्रित नहीं करते। इस स्वतंत्रता के इस बयान पर तो न्योछावर हो जाने का दिल करता है। साहब आप कुछ नहीं करते हैं, अपने संगठन से लीज आउट करते हैं लोगों को जो जाकर के भाजपा का संगठन भी चलाते हैं। भाजपा के तमाम वो निर्णय जो हाल के दिनों में लिए जा रहे हैं उन निर्णयों में आपकी भूमिका आपके दर्शन के अनुरूप है, और आप सांस्कृतिक संगठन है। उसके बाद भी अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आपके इस सत्य वचन को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि असत्य ही आज सत्य है।